दोस्तों साथियों, ये काफी सारी वीडियोस तो आप सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे हैं कि किस तरह से एक नौजवान शख्स हज के मुबारक और मुकद्दस सफ़र पर जा रहा है। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं वो यकीनन आप लोगों को झकझोर करके रख देगी, आप अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों साथियों, उमूमन अगर हमसे चलने को कहा जाए तो हम कुछ दूर चलते हैं और उसके बाद हाँफ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि काश हमें आराम करना चाहिए, हमारे जिस्म के अंदर अब इतनी ताकत इतनी कुव्वत नहीं है कि हम इससे ज़्यादा सफ़र कर सकें। जाहिर सी बात है, कभी कभी ज़्यादा चल लेते हैं या धूप में चल लेते हैं तो हमारे पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ हमारे रास्ते में पैदा हो जाती है। लेकिन आज इस शख्स का वीडियो सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से ये शख्स बेखौफ और निडर होकर के चलता हुआ चला जा रहा है। यकीनन दोस्तों साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ईमान ज़रूर ज़रूर ताज़ा हो जाएगा। यकीनन दोस्तों, हम आपको बता दें कि किस तरह से सुहाब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो पैदल मदीना शरीफ का सफ़र तय कर रहे हैं, या यूँ बात की जाए तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र सुहाब तय भी कर चुके हैं, जो कि पिछले 2 जून को अपने घर से निकले थे और आज तकरीबन उनको 52-53 दिन हो गए इस सफ़र को पूरा करते हुए। ऐसे में लाजमी है कि अब जब हम थोड़ा दूर चलते हैं तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में फलक पड़ जाते हैं। लेकिन जज्बा देखिए आप एक ऐसे शख्स का जो कि अभी नौजवान है और कंटिन्यू अपने सफ़र को तय करता हुआ चला आ रहा है। दोस्तों साथियों, हम बात कर रहे हैं सुहाब के बारे में, जो कि इस मुबारक और मुकद्दस सफ़र पर जा रहे हैं, जो कि लोगों की अब आंखों के तारे बन चुके हैं और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हैं कि आखिरकार हम उस सुहाब की शक्ल देखना चाहते हैं जो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जा रहे हैं, जो कि पैदल सफ़र कर रहे हैं। यानी कि हम थोड़ा दूर चल लेते हैं तो हमारे पैरों में तमाम तरह के छाले पड़ जाते हैं, लेकिन एक बंदा 600 से 700 किलोमीटर बिना कुछ सोचे समझे कंटिन्यू सफ़र तय कर रहा है। उस शख्स से पूछिए कि उसके पैरों का क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का दीदार उस शख्स की आंखों में है, उसके दिल में है, काश वो जल्द से जल्द मदीना शरीफ पहुँच जाए। ऐसे में अगर बात की जाए उस शख्स के पैरों में छाले भी पड़ते हैं तो वो शख्स अपने सफ़र को यहीं ख़त्म नहीं करने वाले, बल्कि वो 2023 तक यानी कि बात की जाए कंटिन्यू तकरीबन 9 महीने का सफ़र तय करने वाला है। एक ऐसा शख्स जिसको गालिबा 2 महीने हो ही चुके हैं, ऐसे में 9 महीने चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सुहाब की वीडियो लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से उनको रास्ते में कभी पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, कभी आर्मी ऑफिसर मिलते हैं, कभी आवाम मिलती है, कभी बड़े बड़े उलमा मिलते हैं, तमाम ही लोग जो है सुहाब की खिदमत में हर वक्त तैयार हैं। लोग फूल लेकर के, फूल मालाएं लेकर के, लोग कपड़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं, लोग खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे बंगलों में सुहाब भाई को ठहरा रहे हैं और साथ ही साथ कौम के लिए दुआ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मौला ताला सुहाब भाई के सफ़र को आसान फरमा दे। लेकिन किसी तरह की कोई भी थकावट, किसी तरह की कोई भी परेशानी सुहाब भाई को देखने को नहीं मिल रही, फिर चाहे वो उनके पैरों में छाले ही क्यों ना पड़ जाएं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम 2, 5, 10 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, बाई चांस अगर चल भी लेते हैं तो हमारे हाल पैरों की वो हालत हो जाएगी कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जब मामला मोहब्बत का होता है, जब मामला अकीदत का होता है, जब मामला प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का होता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे कदम भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हीं कदमों में सुहाब भाई के ये कदम हैं जो कि अपने घर से अलविदा कह कर के निकल तो आए हैं, जिनकी आखिरी मंजिल मदीना शरीफ मक्का शरीफ है, वहाँ जा कर के ही ये कदम थम जाएंगे।
चाहे भले ही पैरों में छाले क्यों ना पड़ जाएं। दोस्तों साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप तमामी लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना कि जब दिल में मोहब्बत होती है तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। और शायर के खूब अंदाज में कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। दोस्तों साथियों, इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल की जा रही है, तो आप तमामी लोगों का हक बनता है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे कि जिन लोगों को अभी नहीं मालूम है उन लोगों को भी मालूम हो जाए और लोग अपने इस भाई के लिए दुआ करें। और यकीनन जब भाई मदीना शरीफ पहुंचेंगे तो वो तमाम ही मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। न जाने मौला किस शख्स की दुआ को कबूल फरमा ले, ये कोई भी नहीं।